बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस पुरजोश तकरीब के सदर सदूर राजा इलियास साहब काबले एहतराम बुजुर्ग और जनाब राजा रफीक मरहूम के भाई बहुत ही काबले एहतराम जनाब राजा कबीर साहब, राजा गुलजार साहब, मेहमान खुसूसी सरदार कमर जमान साहब, मजीद एडवोकेट साहब, तारक मसूद साहब, तमाम अहबाब जो स्टेज पे तशरीफ फरमाए हैं, मेरे सामने मौजूद हैं, शिमाली बाग से ताल्लुक रखने वाले बिलखसूस और पदर से जो मेजबान हैं, सारे ही पदर के दोस्त साथी बुजुर्ग मेजबान हैं। मेरे लिए आज ये बहुत ही खुशी की बात है, ये कई दाइयों से, चूंकि 1990 के बाद शायद इस तरह का पदर में माहौल नहीं बन सका था, और कई दाइयों से ये ख्वाहिश थी कि पदर में इस तरह का प्रोग्राम हो और पदर के दोस्तों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, साथियों का हम एतमाद जीत सकें, एतमाद हासिल कर सकें। पदर के लोगों से गो के सियासी इख्तलाफ रहा, लेकिन हमारे जाती ताल्लुकात कभी मुतासर नहीं हुए। मैं हमारे जाती ताल्लुकात सब यहां के नौजवानों से, दोस्तों से, बुजुर्गों से रहे, और इस बात का मैं, चूंकि जब कुछ दिन पहले यहां पे कबीर साहब के घर हमारी मीटिंग हुई थी, वहां पे हमने तफसीलन बात भी की थी, और मैंने कहा था कि पदर के लोगों से हमें बड़ी मोहब्बत है, इसलिए कि पदर के जब लोग खिलाफ थे तो डंके की चोट पे हमारे खिलाफ थे, पता लगता था कि खिलाफ हैं, और मैंने कहा कि इसलिए हमारी ये ख्वाहिश है कि ये हमारे साथ हों, इसलिए कि हमें यकीन है कि जब ये साथ होंगे तो इसी कुव्वत से, इसी जज्बे से और इसी मोहब्बत से हमारे साथ होंगे। और अल्लाह पाक ने हमारी ये ख्वाहिश और दुआ कबूल की, और आज पदर के, यानी पदर वो गांव है जो बड़ी जरखेज मिट्टी है, जिसने बड़े काबिल बासलाहियत लोगों को जन्म दिया। इसमें राजा रफीक साहब मरहूम जो MLA भी रहे इस हल्का से, और वो बहुत ही नफीस इंसान थे और बहुत ही बाशऊर इंसान थे, बड़े जीरक सियासी रहनुमा थे, और उनको आज मैं सबसे पहले एक सियासी कारकुन होने के नाते बाग के पूरे लोगों की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करता हूं, और अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में, क्योंकि जो भी सियासी कारकुन होता है, सियासी रहनुमा होता है, उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के नाम की हुई होती है, वो किसी ना किसी हालत में, किसी ना किसी सूरत में, चाहे वो अपोजिशन में है या हुकूमत में है, चाहे वो जिस हाल में भी है, वो ये कोशिश करता रहता है कि उसकी जात से लोगों को फायदा पहुंचे, और उनकी जो लोगों के लिए खिदमात है, लोगों के लिए जो स्ट्रगल है, मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि उनकी खिदमात अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करे और अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। इसी तरह से सूबेदार फतेह शेर साहब पदर की एक नामी ग्रामी शख्सियत, नमरदार अशरफ साहब उनके ताजियती रेफरेंस में आया था, उनसे बेपना लोग मोहब्बत करते थे, और लोग उन्हीं से मोहब्बत करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं, उन्हीं को इज्जत देते हैं जिन्होंने लोगों के लिए कुछ किया होता है, जिन्होंने लोगों के लिए अपना वक्त दिया होता है, जिन्होंने लोगों के लिए मेहनत की होती है। मैं आज उन तमाम बुजुर्गों को दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करता हूं। 20-30 साल पदर वालों की और हमारी दूरी रही, गो के पदर से सरदार राजा इलियास साहब यहां पे बैठे हुए हैं, बड़े मुश्किल हालात में भी हमारे साथ पूरी कुव्वत के साथ खड़े हुए। मेरे एक दोस्त हैं, भाई हैं, खिजर, वो नहीं नजर आ रहे, खिजर, खिजर बड़े मुश्किल हालात में खड़े रहे। इमरान राजा जो इस दफा दुबई थे, वगरना ये PSF के कॉलेज में भी जनरल सेक्रेटरी थे,
और इनके वालिद मोहतरम राजा अकरम साहब वो भी शुरू से सरदार कमरत जमान साहब के साथ हैं और शुरू से इनके साथ रहे। इस तरह से बहुत सारे दोस्त जिन्होंने बुनियाद यहाँ पे रखी थी और उस बुनियाद पे खड़े थे, और आज अल्लाह पाक ने ये कर्म किया कि आज राजा रफीक मरहूम के भाई भी यहाँ पे स्टेज में सरदार कमरत जमान साहब के साथ मौजूद हैं, आज राजा गुलजार साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, आज बेशुमार नौजवान राजा साजद और हमारा एक गोल्ड मेडलिस्ट भाई नवीद ये भी आज यहाँ पे मौजूद हैं। यकीनन जी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तकरीर में बड़ी लंबी करने की सोच के आया था, मैंने पूरे पॉइंट लिखे हुए थे, ये मेरे पास बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन चूंकि आज लॉकडाउन था और इंतजामिया के जिम्मेदारान सरदार साहब के पास घर आए थे, उन्हें रिक्वेस्ट की थी और हमने उनसे ये कमिटमेंट की थी कि पदर के दो तीन जो लोग हैं वो बात करेंगे और सरदार साहब बात करेंगे, इसलिए मैं आज तकरीर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक बात करूंगा और वो बात ये है कि यहां पे सियासत कभी शर्कीज्म के नाम पे इलाकाई तासब फैला कर की जाती है, कभी ब्रादरीज्म के नाम पर की जाती है, कभी नन इश्यूज को छेड़कर। आपने गुज़श्ता दिनों 25 मार्च को जो यहां पे हुकूमती एक जलसा था रैड़े के मकाम पर, अगर आपने वजीर मौसूफ की तकरीर सुनी हो तो आप अंदाजा करें कि 5 साल हुकूमत करने के बाद 1 घंटा तकरीर करता है और वो शुरू भी बिस्मिल्ला के बजाय सरदार कमर जमान खान के नाम से करता है और इख्तिताम भी बाफ़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह के बजाय सरदार कमर जमान के नाम पे करता है। इसके अलावा उसने कोई बात नहीं की, वजीर आजम को बैठा के, सीनियर वजीर को बैठा के, स्पीकर को बैठा के, दीगर वुजरा को बैठा के तकरीर यही बीसूटी के नक्के पे करेगा पहाड़ पे यही तकरीर, अगर वो रैड़े में करेंगे वजीरे मौसूफ तो यही तकरीर, रतनुई में करेंगे तो यही तकरीर, असेंबली के अंदर इजलास में करेंगे तो यही तकरीर। यानी ये बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, अल्लाह की नाराजगी भी हो जाती है और ऐसे लोग मसल्लत हो जाते हैं, वो इन बुनियादों पर सियासत करते हैं। हमारा मसला लोगों की जात को डिस्कस करना नहीं, हमारा मसला यह है कि इस वक्त मैं शर्की हलके में नहीं, मैं वस्ती हलके में नहीं, क्योंकि आप अगर किसी को नुमाइंदा बना के भेजते हैं वो हुकूमत में जाता है, वजीर आजम बनता है, वजीर बनता है, तो वो किसी एक हलके का नहीं होता, वो फिर उस रियासत का होता है, फिर उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो रियासत के बारे में फैसले करे और सोचे। मैं आज जो इस सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई और बेरोजगारी का है, बहुत सारे मसाइल अंबार हैं लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई और बेरोजगारी का मसला है, और बेरोजगारी की जो जिल्लत होती है वो उस नौजवान से पूछें कि जिसके बाप ने उसे मालूम हो कि उसने अपने लिए दवाई नहीं खरीदी और मेरी फीस भरकर मेरी तालीम मुकम्मल करवाई, अगर बेरोजगारी की जिल्लत और तकलीफ को महसूस करना है तो उस नौजवान से पूछें कि जिसकी मां ने अपना जेवर बेचकर उसको तालीम दिलवाई ताकि ये कल बारोजगार होगा, कोई बड़ा आदमी बनेगा और हमारी जो जिंदगी की तलखियां हैं ये कम होंगी, महरूमियां खत्म होंगी और हम आगे बढ़ेंगे और हमारी नस्लें भी बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगी। उस बेरोजगारी और उस महंगाई की जिल्लत का उससे पूछें कि जो दिन को मेहनत करता है, पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी शाम को अपने बच्चों को सही तरह से खाना नहीं खिला सकता या उनकी जो उससे तवक्को होती है, उससे डिमांड होती है, वो उसको पूरी नहीं कर सकता, तो वो जिंदा तो होता है लेकिन जिंदा लाश की तरह फिरता है। इसलिए जब आपके सामने ये मसाइल हों, आपके सामने गुर्बत हो, आपके सामने भूख हो, आपके सामने अफलास हो, आपके सामने नाइंसाफी हो, महरूमियां हो, तो फिर उस माशरे में, उस समाज में आप सियासत करते वक्त इलाकाइयत की बात करें, आप सियासत करते वक्त बरादरियों की बात करें, आप सियासत करते वक्त नस्लों की बात करें, आप सियासत करते वक्त फिरकों की बात करें, तो फिर मैं ये यहां पर कहना चाहता हूं कि भूख की ना कोई बरादरी होती है, ना कबीला होता है, ना फिरका होता है,
बेरोजगारी की ना कोई बिरादरी होती है, ना कबीला होता है ना फिरका होता है। महरूमियों का ना कोई कबीला होता है ना बिरादरी होती है ना फिरका होता है। महरूमी के खिलाफ हम लड़ेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ हम लड़ेंगे, यहां पे जो नफरत है उनके खिलाफ हम लड़ेंगे और आपकी ताकत से लड़ेंगे। हम उन 90% लोगों के नुमाइंदे बनने की ख्वाहिश रखते हैं। हम चंद ठेकेदारों के नुमाइंदे बनने की ख्वाहिश हरगिज़ नहीं रखते कि जो ठेकेदार अपनी ठेकेदारी की बुनियाद पर 90% लोगों का इस्तेमाल करें, चाहे वो किसी एक पोलिंग स्टेशन के अंदर हो, चाहे वो किसी एक हलके के अंदर हो, चाहे वो किसी एक मुल्क के अंदर हो। हम उन 10% लोगों के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। और इस लड़ाई में जब हम निकलेंगे और निकले हुए हैं अल्लाह की मदद से, तो फिर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि लड़ाइयां तब जीती जाती हैं कि जब हम इस तरह से निकलेंगे कि जब हमारे हाथों में हाथ होंगे तो किसी को ये मालूम नहीं होगा कि मेरा हाथ में दूसरा हाथ मलदयाल का है, नारमे का है, सैयद का है, देवबंदी का है, बरेलवी का है, शिया का है, सुन्नी का है। हमें यह मालूम होगा कि हमारे मसले एक हैं। बेरोजगारी सबको, हर नौजवान को जिल्लत का शिकार कर रही है। हमें यह मालूम होगा कि महरूमियां हम सब की जिल्लत की वजह है। हमें यह मालूम होगा कि ये जो निजाम है ये हम सब की जिल्लत और हमारी महरूमियों का जिम्मेदार है। हम इसको उखाड़ कर फेंकने के लिए जब निकलेंगे तो फिर उस जद्दोजहद को हम अपनी मंजिल बनाएंगे, उसको मकसद बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं यहां पर सिर्फ आज ये कहूंगा, ये अपील करूंगा पदर में कि इंशाल्लाह अजीज अल्लाह की मदद से, पदर से जिस तरह से हमारे खिलाफ रिजल्ट आता रहा है, अल्लाह की मदद से इस दफा उससे भी बेहतर रिजल्ट अल्लाह के फजल करम से आएगा। और पदर में जो यहां पे चंद लोग एक आठ दो, वो अगर ये समझते हैं कि वो सरदार मीर अकबर खान से लोगों ने पदर के वोट दिए, पदर के सारे लोगों ने वोट दिया, लेकिन आज पदर से जितने भी लोगों से मेरी ये बात हुई उन्होंने यही कहा कि ये ना हो कि कल आपके पास भी चंद एक दो ठेकेदार हूं। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि पदर के हर घर से हम तलक बनाएंगे, पदर के हर नौजवान से हम अपना रिश्ता बनाएंगे, पदर के हर बुजुर्ग का हम बुजुर्ग से अपना एहतराम कर रिश्तों को कायम रखेंगे। और इंशाल्लाह अज़ीज पदर को हम अपने घर की तरह समझेंगे और घर समझते हैं। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया तो पदर की नहीं, अल्लाह के फजल करम से जो भी बात की, और अगर अल्लाह ने इससे बढ़कर मौका दिया तो रियासत के अंदर जो महरूम